कांग्रेस पार्टी का बिजनौर जिलाध्यक्ष बनने के बाद शेरबाज पठान आज बिजनौर पहुंचे। बिजनौर पहुंचने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष का कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। शेरबाज पठान गाड़ियों के काफिलों के साथ बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले नुमाइश ग्राउंड स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जहाँ से वे अपने समर्थकों के साथ पैदल चलकर ही पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, वो उस पर पूरी निष्ठा के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे और अब जिले में किसानों, गरीबों और शोषित वर्ग की आवाज को बुलंद करने और उनके हक के लिए संघर्ष करने का काम भी करेंगे। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। बहुत जल्दी आपको, अभी मैंने चार्ज दिया है, आपको आने वाले 2 महीनों में पता चल जाएगा कि किसान की लड़ाई भी लड़ी जाएगी, हर उस वर्ग की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे, हर एक उस वर्ग की लड़ाई लड़ी जाएगी जिसका शोषण हो रहा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कुरैशी समाज के लोग हो, क्योंकि अभी जो देखने में आया है, खास तौर से किसानों के साथ साथ जो शोषण हो रहा है जिला बिजनौर के अंदर, वो शोषण सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी बिरादरी का हो रहा है तो वो कुरैशी बिरादरी है, क्योंकि क्योंकि भाई जो लोग भाई एज पर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से गौकशी जो है वो पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित है और कानून के खिलाफ है। लेकिन मैंने स्वयं ये महसूस किया है और देखा भी है, बहुत सारी बातें मेरे संज्ञान में है कि अगर प्रशासन को, पुलिस को पैसा नहीं पहुंचा तो उसके एवज में जो काला गोश्त होता भैंस का, उसे सफेद बनाने का पुलिस प्रशासन ने काम किया है। मैंने आपसे कहा था, हर एक उस वर्ग की लड़ाई लड़ी जाएगी जिसका समाज में शोषण हो रहा है।